गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपके इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो मैथ के ऊपर आधारित है। मैथ के इस पीरियड में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन देखिए, एक फल विक्रेता एक रुपए में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है। नींबू बेचता है तो उसके 40% लाभ तो उसे सॉरी तो उसे 40% लाभ होता है। तो उसने 1 रुपए के कितने नींबू उसने 1 रुपए की दर से सॉरी किसने 1 रुपए की दर से 1 रुपए की दर से कितने नींबू खरीदे ऑप्शन है आपके 9, 8, 7 या 6। देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या कह रहा है कि एक विक्रेता जो है 1 रुपए में 5 नींबू बेचता है, 1 रुपए में 5 नींबू बेचता है तो उसे 40% लाभ होता है। अब आपको ये बताना है उसने 1 रुपए की दर से कितने नींबू खरीदे थे। कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है जिसकी 1 रुपए के हिसाब से कितने नींबू खरीदे हैं। फिर से इंग्लिश वाले ध्यान दीजिए जरा। One fruit seller sells lemon at the cost of 1 rupees. A fruit seller sells 5 lemons at the cost of 1 rupees per lemon. ठीक है? And gets the profit of 40%. Then at the rupees one, how many lemons he or she bought? कितने नींबू उसने खरीदे हैं? फ्रूट सेलर है, आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन है 9, 8, 7, 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक नींबू का विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 1 lemon जो है उसको हम 1/5 के डिनोट कर रहे हैं। 1/5 मतलब 1 रुपए में 5 नींबू है, 1 रुपए में 5 नींबू है तो हमने जो विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस है 1 नींबू का उसको 1/5 से डिनोट कर दिया। वैसे ही कॉस्ट प्राइस जो है एक नींबू का कॉस्ट प्राइस जो है या लेमन का कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य जो है वो आपका हो जाएगा कितना 1/5 × 100/100+40। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हम हमेशा 100% मान के चलते हैं। 100% प्रॉफिट में 40% उसको हो रहा है, मींस 100+40 तो ये आपका 140 आ जाता है। इस पोर्शन को जब हम कर रहे हैं तो 5 से हमने इसको कैंसिल किया, 20 5 100 मींस 20 ओवर
140 आपका आ जाता है। जीरो से जीरो को हमने कैंसिल कर दिया तो दो एकम दो और दो साते चौदह, दो साते चौदह आपका 1/7 आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक रुपए में फ्रूट सेलर जो है 7 नींबू खरीद रहा है, 1 रुपए में फ्रूट सेलर 7 नींबू खरीदता है, खरीदता है। तो 1 रुपए में फ्रूट सेलर 7 नींबू खरीदता है और वो बेच रहा है कितने पे, 1 रुपए में 5 नींबू, तो मतलब 2 नींबू का उसे फायदा हो रहा है, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है 40%, कितना 2 नींबू का। तो जो आपका थर्ड वाला 7 आंसर है वो करेक्ट हो जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, पांच वस्तुओं का क्रय मूल्य, पांच वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य तीन वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर ही है भाई, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन है आपके 20% लाभ, सेकंड है 25% लाभ, 40% हानि, 30% हानि। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले हम समझते हैं कि पांच वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसको लाभ हुआ है नुकसान हुआ, पहले तो आपको ये ज्ञात करना, मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, देन व्हाट इज अ लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। तो जाहिर सी बात है, अगर 5 चीजें हैं उनका क्रय मूल्य अगर 3 चीजों के बराबर है तो उस बंदे को प्रॉफिट नहीं बल्कि क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो नुकसान कितना हुआ है हम उसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अभीष्ट प्रतिशत हम ज्ञात करते हैं, जो परसेंटेज है हमारी अभीष्ट प्रतिशत, अभीष्ट प्रतिशत हमारी कैसे निकले, जैसे इसने ये कहा कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, मींस 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य से हमने घटा दिया 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, और क्रय मूल्य नीचे आपका आ गया, तो क्रय मूल्य आपका कितना है 5 वस्तुओं का, तो नीचे आ गया आपका 5 और इनटू में परसेंटेज आप याद करें तो 100, तो 5 में से 3 ये आपके बच गए 2/5/100, इसको आपने 5 से कैंसिल किया तो 5 × 10 और ये 0 का 20 आ गया, 20 × 100 तो 20 × 40, आप बता सकते हो कि उस बंदे को 40% हानि हो रही है या 40% नुकसान हो रहा है, 40% का लॉस हो रहा है, कब, अगर 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 थिंग्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ
three things, then that will it will get the loss of 40%. तो जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन 40% वाला है, 40% वाला है, वो सही ऑप्शन हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के। अगले पीरियड में मैं आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।